दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ भीगे चने खा करके अपना वजन बढ़ा सकते हो। जी हां दोस्तों, आप में से कई सारे भाइयों को मेरी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहां पर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ऐसा 100% पॉसिबल है। जी हां दोस्तों, जब आप इन भीगे चनों को सही तरीके से सही मात्रा में खाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों इस बात को मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इस नुस्खे को पहले मैंने खुद आजमाया है और मुझे इससे रिजल्ट मिला है, तभी आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन है तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा, और जैसा मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वैसा आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से देख लेते हैं कि आपको किस तरह से इन चनों को खाना है और कितनी कितनी मात्रा में आपको लेना है। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये भीगे हुए चने ले रखे हैं, तो आपको भी अपने चनों को रात में भिगो करके रख देना है और इस तरह से इन्हें खाने लायक बना लेना है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इन चनों को कैसे आपको खाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसी कंडीशंस जिनमें आपको अलग अलग मात्रा में अलग अलग समय में इन चनों को खाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज तक के पूरे YouTube में आपको किसी ने भी ये तीन कंडीशन नहीं बताई होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन तीन कंडीशंस के बारे में। अगर आप इन तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये चने खाते हो तो आपको 100% गारंटीड रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारी पहली कंडीशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पहली कंडीशन है ये उन लोगों के लिए है जो लोग केवल सिर्फ चना इसलिए खाते हैं कि वो अपने आप को हेल्दी रख सकें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो केवल चना अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग केवल अपने आप को हेल्दी रखने के लिए चना खाते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वो केवल सुबह उठ करके चना इसलिए खाते हैं कि उनकी ताकत बनी रहे शरीर में। तो अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं तो आपको कितना चना खाना चाहिए ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 1 से 2 मुट्ठी केवल चना खाना चाहिए, ठीक है, इतने में ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि किस समय खाना चाहिए। तो दोस्तों आपको सुबह यानी मॉर्निंग में इस चने को खाना चाहिए और वो भी खाली पेट। यहाँ दोस्तों अगर आप खाली पेट खाओगे इन चनों को तो आपको और भी ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हुई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी हमारी जो कंडीशन है वो है उन लोगों के लिए जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि आप केवल सिर्फ चना खा करके भी अपना वजन बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा 100% पॉसिबल है। कैसे ये आपको मैं बता देता हूँ। तो अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि 2 मुट्ठी आपको सुबह में चना लेना होगा और 2 मुट्ठी आपको शाम में लेना होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप 2 से 3 मुट्ठी लेना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी 2 तो आपको लेना कंपलसरी है, और अगर आप इससे ऊपर बढ़ाना चाहते हैं यानी 3 मुट्ठी खाना चाहते हैं तो 3 मुट्ठी भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि सुबह में जो आप चना खाएंगे वो खाली पेट खाएंगे और शाम में आप चाहे जब भी खा लें, लेकिन 2 टाइम खाना
कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है अगर आप बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड कंडीशन पे। तो दोस्तों, थर्ड कंडीशन हमारे उन भाइयों के लिए है जो भाई हमारे देसी बॉडी बनाना चाहते हैं और वो अपने प्रोटीन की मात्रा को पूरा करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो हमारे ये चने हैं इससे आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो अब यहाँ पर आप सुन लीजिए कि अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो उस समय आपको 3 से 4 मुट्ठी चना खाना होगा। जी हाँ दोस्तों, और क्या टाइमिंग आपको रखनी होगी ये विशेष ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आपको वर्कआउट कंप्लीट करने के आधे घंटे बाद आपको इन चनों को खाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है इन तीनों ही कंडीशंस में। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बता दूं कि बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर, हम चना ऐसे नहीं खा पाते हैं, हमारा मन नहीं होता है खाने का, तो हमें कुछ तरीका बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि इस भीगे हुए चने के साथ आप गुड़ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड़ जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मेंटेन करता है, मजबूत करता है, तो इसलिए आप इस भीगे हुए चने के साथ गुड़ का सेवन कर सकते हैं, तब आप बड़ी ही आसानी से चने खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो तीन कंडीशन हैं, अगर आप इन तीन कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन में हैं तो उस तरीके से आप खाइए, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस आगे मिलती रहेंगी।